कटिहार जिला अंतर्गत कदवा प्रखंड में भी बाढ़ का प्रकोप जारी है। विगत चार दिनों से बाढ़ ने अपना कहर बरपा रखा है। इस कदर बारिश हुई है कि खेती पाती तो दूर, लोगों को जान बचाना भी मुश्किल हो गया है। यहां तक कि आने जाने वाले राहगीरों को भी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदवा प्रखंड से पूर्णिया की ओर जाने के लिए शिवनगर मोड़ के पास डायवर्सन रोड कट गया है, जिससे एक बड़ी आबादी का संपर्क शहर से टूट गया है, जिसमें प्रमुख रूप से राजघाट के गछिया समेत 25 गांव इसके चपेट में है। बाढ़ पीड़ितों का कहना है कि महानंदा नदी का जल स्तर बढ़ने से कई गांव बाढ़ के चपेट में आ गया है। खासकर देवगांव, कदवा, वृंदावारी, भरसी, कुम्हरी, चांदपुर, गोपीनगर, छपरसिया, सिकोरना समेत कई गांव बाढ़ के चपेट में हैं और इन लोगों का जीना मुहाल हो गया है। बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि अभी तक सरकारी सहायता किसी तरह की नहीं मिल पाई है और न ही नाव की भी व्यवस्था की गई है, जिससे गांव में फंसे लोग ऊंची स्थान पर शरण ले सके। साथ ही बाढ़ पीड़ितों ने कहा कि जिला प्रशासन को इस संदर्भ में राहत और बचाव कार्य तेज गति से करने चाहिए, जिससे कि हम लोगों को बाढ़ से निजात मिल सके। किस गांव से? कितना देर पहले पानी घुसा था वहाँ? रात ही घुसा है, थोड़ा सा घुसा। और पूरा तैर करके आ रहे हैं? कोई नाव वगैरह का कोई व्यवस्था है? एनडीआरएफ का कोई टीम, ऐसा कोई सुविधा सरकार की तरफ से? कोई सुविधा नहीं। कितने कितना गांव में कितना व्यक्ति है जो बाढ़ में अभी फंसा हुआ है? अभी 150 घर, बहुत बुरा हाल है। गाँव का नाम क्या हो गया? ये कुमरी ददना। और अभी आप जो कि देख मवेशी को तैर करके ला रहे हैं जी, क्या क्या कठिनाई हो रहा है? पानी तो बहुत चल रहा है, उसमें संभालना मुश्किल हो रहा है। पानी कब घुसा गाँव में? पानी कल घुसा था। कितना व्यक्ति फंसा हुआ बाढ़ में? मतलब बाढ़ में अभी गांव में कितना व्यक्ति? अभी बहुत है। कोई सरकारी निकालने के लिए कोई सरकारी सुविधा? कोई सुविधा नहीं। गाँव से कोई व्यक्ति बाहर निकले हैं क्या अभी? मतलब जो जन से जन से जो है मालजाल के लिए मालजाल लेकर के निकल रहा है। हाँ, तो छोटे छोटे नाव नहीं मिला हमको, छोटे छोटे बच्चे सबको क्या हाल चाल है वहाँ? बहुत दिक्कत है सब नहीं। महिला सब जो है उनका क्या हाल? बहुत हाल खराब है। बहुत गांव में स्कूल वगैरह है कि नहीं? स्कूल है तो सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी नहीं है, नीचाम है, नीचाम जिसका छत में हमारा छत बड़ा उसमें रहता है सब। अभी जो सरकार की तरफ से कोई सुविधा अभी तक कुछ नहीं बस लाता कुछ नहीं दिया है। दिक्कत क्या है? बहुत दिक्कत है, यहाँ लोगों को जान जा रहा है। आने जाने वाला क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है। क्या दिक्कत है बता रहा था, कोई बैठेगा दो दो घंटा इंतजार कर रहा है कि हम चलेंगे तो हम चलेंगे। कोई साधन नहीं, कोई साधन नहीं। 100 मांगता है, 100 50 नाव वाला। एक आदमी मांगा 100 रुपया, उसको डंडा लेके पिटाए तब भागा। सवेरे में बोलता था कि 100 लेंगे एक आदमी को इस यहाँ से बांध पर ले जाने के लिए, तब डंडा लेके उठे उसको तो सब आदमी मिलकर पिटाए तब भागा। उसको बोले अरे भाई आपको जो 10 नहीं है 20 ले लो, 30 ले लो, 30 तक ले लो, जो मजूरी हुआ जी ले लो, आदमी को पार करो। अजी कहा यहाँ से जाना है, चांदपुर जाना है, न पूर्णिया तक जाना है, तो 100 लाभ वाला ले लेगा तो जाएगा फिर कैसे? बहुत है। क्या स्थिति क्या है उधर का? बहुत गंभीर स्थिति है। कितना व्यक्ति फंसा है? बहुत है, कम से कम 200-300 आदमी। राहत बचाव कार्य कैसे? कुछ नहीं चल रहा है, कहाँ कुछ है, खाना पीना बंद पर डेढ़ी आदमी, प्लास्टिक कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं है सरकार का। घरों से पर में है? जी। क्या हालात है वहाँ का? क्या बहुत बुरा हाल है भाई, थोड़ा बताइए जरा विस्तार से। बहुत बुरा हाल कि आदमी को खाना नहीं मिल रहा, अभी आदमी रहने का ऐसा व्यवस्था नहीं है कि जो कोई व्यवस्था, कोई मकान पर कोई मान लीजिए कुछ हो जाए तो कोई हॉस्पिटल। कौन कौन गाँव फंसा हुआ है बाढ़ में? बाढ़ में सिकोरना, खुशालपुर, देगांव, बगुन का सब फसल है भाई, जो बांध के उस पार जितना भी बहुत दिक्कत है। लगभग कितना था? लगभग कितना गांव? कम से कम 25-30 गांव तो बहुत तरीका से बहुत बुरा हाल है। अभी कोई व्यवस्था नहीं है, अभी नाव, हाँ, कोई नाव का भी व्यवस्था नहीं गया है, नहीं कोई एक आदमी तक अभी तक पहुंचा है गांव में। सरकार तो कह रही है कि एकदम हाईलाइट के बाद सारा, कहां हाईलाइट के साथ वो बोले ना भाई, ये कहां तक है कि उसका छानबीन किया जाए, ये कहां पर है? जो पदाधिकारी अगर कह रहे हैं कि सारी व्यवस्था हो चुका है, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आए हमारे इस स्थल तक,
और वहाँ तक चले, कहते हैं कि परभेली में एक आदमी फंसा है वहाँ से निकाल लीजिए, सिकोरना में कोई बीमार है चलिए उसके घर से निकाल लेते हैं, तब पता लगेगा कि क्या है। हाँ, तब सोचेंगे कि हाँ व्यवस्था लगा है, क्या व्यवस्था लगा, कहाँ किसी का रोड टूटा है, उधर लसका है इधर लसका है, गांव की क्या स्थिति है वो देखिए। व्यवस्था ब्लॉक में रख दिया है सब। कितना दिन से रखी है व्यवस्था, कितना माल जाल का क्या हाल है? माल जाल का बहुत खराब है भाई स्थिति, क्यों खाना नहीं कुछ है उसका, मान लीजिए कोई रहने का सहना का कोई जगह नहीं है अभी। चल नाव दिया, नाव का मल्हा को आज तक वेतन नहीं मिला, क्यों नहीं मिला, आखिर क्यों नहीं मिला उसको वेतन, कहाँ रख दिया उसका वेतन? डॉक्टर कोई नाम नहीं है बस्ती में, डेढ़ी आदमी वहाँ पर देखा कि रोड कट गया तो हाँ काम हो गया बस। बाकी डीएम आया तो क्या पब्लिक को भलाई करके यहाँ देखा, नाव का व्यवस्था चाहिए, नाव में एक माला चाहिए, दो गो माला चाहिए, माला का वेतन चाहिए, वो सब कुछ नहीं। नंदा का पानी उफान पे था जी, और वो देख के गया खास, और फिर भी आज तक क्या उसका व्यवस्था की? 3000 आदमी फंसा हुआ है, माँ बाप अपने छोड़ के आए हैं, नाव सरकारी सरकारी नाव कुछ साधन नहीं दिया, खाने पीने का कोई प्रबंध नहीं है, कोई गाँव में स्कूल वगैरह तो होगा बचने के लिए, स्कूल है छत खाने पीने का, बकरी भी मर गया है, अच्छा कुछ नहीं है तो क्या करेंगे? कितना दिन से ये हालात है आपका? तीन रोज से।